ओलावृष्टि से खराब हुए फसलों को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। लाडली बहना योजना के सम्मेलन में लांजी पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेमौसम हुए बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुए फसलों को लेकर किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, जल्द ही खराब फसलों का सर्वे कराया जाएगा। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के कुछ जिलों में ओले की वर्षा के ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसान चिंता ना करें, मैं हूं ना, हमने तत्काल जहां जहां ओलावृष्टि हुई टीमें सर्वे के लिए भेज दी हैं। आज सवेरे यहां आने के पहले मैंने एक उच्च स्तरीय बैठक करके स्थिति की समीक्षा भी की है। जो ओला पीड़ित किसान भाई बहन हैं जिनकी फसलें खराब हुई है, पूरा सर्वे होगा, सर्वे संयुक्त टीम करेगी, मतलब राजस्व के साथ कृषि विभाग और पंचायत विभाग के कर्मचारी भी साथ में रहेंगे, ट्रांसपेरेंट होगी और सर्वे करके जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी सूची भी गांव में पंचायत भवन या उपयुक्त स्थान पर लगाई जाएगी, ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ की संभावना को पूरी तरह से हम समाप्त कर सकें। RBC 64 के अंतर्गत राहत की पूरी राशि हम अपने पीड़ित किसानों को देंगे, और राहत की राशि अकेली नहीं, फसल बीमा योजना के लिए भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके और नुकसान का आकलन करके बीमे की राशि भी दिलाएंगे। जितना नुकसान हुआ है किसान का, लगभग उसकी भरपाई हम करके देंगे, इसलिए किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार उनके साथ। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।